वित्त आयोग का भ्रमण है उत्तर प्रदेश में। मुख्यतः पांच विषयों को ध्यान दिया जाता है। पहला जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि, इनकम गैप, वन क्षेत्र और क्षेत्रफल। वर्तमान समय में हमें कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी संशोधन की जरूरत है। हमें चाहिए कि आधारभूत ढांचे को, आकार आधार को वित्त आयोग द्वारा अनुदान और कर संग्रह में राज्य की हिस्सेदारी को कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहिए। लगातार भारत सरकार द्वारा राजकीय कोष के घाटे का जिक्र किया जाता है। मौजूदा समय में ये कहा जाता है कि 3% से नीचे नहीं आना चाहिए। जहां एक तरफ देखा जाए कि राजकीय कोष का घाटा जो लग रहा है, जो भारत सरकार 3% पर एक निर्धारित की हुई है, परंतु उस राजकोषीय घाटा के अंतर्गत तमाम उन जन उपयोगी चीजों पर कहीं ना कहीं वित्त आयोग को जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर आप देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, परिवहन व्यवस्था के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में, एससी एसटी और ओबीसी के तमाम कल्याणकारी योजनाओं के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में जरूर वित्त आयोग को ध्यान देकर इन तमाम विषयों पर निरंतर उन्हें कहीं ना कहीं एक योजना बनाकर इनके लिए भी बजट का प्रावधान अलग तरीके से करने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। पिछले समयों में देखा जाए तो ऊर्जा के क्षेत्र में 2018-19 में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट का प्रावधान किया था उसमें लगभग 18% की कटौती की थी, और कृषि के क्षेत्र में इन्होंने 19% की कटौती की थी। कहीं ना कहीं जो इनका आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो योजना है उसमें मात्र 0.1% ही जो बजट आवंटन हुआ था उसमें यह उत्तर प्रदेश सरकार खर्च कर पाई है। कांग्रेस पार्टी वित्त आयोग से सिफारिश करती है कि शहरी निकाय और पंचायती जो व्यवस्था है, पंचायत के जो प्रधान, क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र प्रमुख या जिला पंचायत, इन लोगों के लिए भी आर्थिक तौर से जो आर्थिक व्यवस्था है, जो इस ढांचे को चलाने के लिए, उसके लिए भी कहीं ना कहीं पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था देने की जरूरत है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी इन तमाम विषयों को लेकर कल दो डेलीगेशन, हमारे आदरणीय श्री सलमान खुर्शीद साहब जो उत्तर भारत सरकार के विदेश मंत्री भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, और भाई अनूप पटेल जी, दो लोग जाएंगे जो कांग्रेस पार्टी के तरफ से वहाँ वित्त आयोग के सामने अपने विचारों को रखेंगे। धन्यवाद। श्री सलमान खुर्शीद साहब जो भारत सरकार के पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं, और अनूप पटेल जी जो हमारे प्रवक्ता हैं प्रदेश के, यह दो लोग कल वित्त आयोग के सामने जाएंगे और निश्चित कांग्रेस पार्टी के इन तमाम विषयों को और विचारों को उनके समक्ष रखने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ देखिए, चूंकि जो उनसे जवाब मांगा गया था उस विषय पर विधानमंडल कार्यालय में अभी देखा जाना है, विधानमंडल कार्यालय में उनका क्या जवाब आया है उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। देखिए, वो एक क्षेत्र की विधायक भी हैं, और किसी विधायक को का यह धर्म है, कर्तव्य है कि जनता की समस्याओं को लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री के पास जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह का कहीं कोई
चर्चा होनी चाहिए, वो क्षेत्र के समस्याओं को लेकर भी जा सकती है, इसलिए इस पर किसी तरह का कवायद करना ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, और पिछले काफी समयों से कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ कानून व्यवस्था के सवाल पर सदन में भी और सड़क पर भी संघर्ष करते हुए सरकार को निरंतर आईना दिखाने का प्रयास किया और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कराने की बात निरंतर करती रही। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो उत्तर प्रदेश की सरकार है अपराधियों को संरक्षण देती रही। आप देख सकते हैं साजापुर की बेटी को न्याय देने के बजाय उसे जेल भेज दिया जाना, ये कहां का न्याय था? जहां अपने जो उन्नाव की बेटी थी उसको न्याय देने के बजाय उसके साथ इतनी बड़ी घटनाएं हुई और उसमें विधायक दोषी पाए गए और कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां भी प्रभावित रही। बलात्कार के आरोपियों को बचाने का, सांसद और विधायकों को पूरे संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। श्री कमलेश तिवारी जी की हत्या, मेरठ में श्री शर्मा जी वकील साहब की सर पर लगा के गोली मार के हत्या, और लगातार पत्रकारों की हत्या, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लादना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये किस ओर दर्शाता है उत्तर प्रदेश में जंगल राज है? निश्चित कमलेश तिवारी जी की मां के बयान पर भी सरकार को विचार करना चाहिए, जांच एजेंसियों को विचार करना चाहिए, उनकी पत्नी के बयान पर भी सरकार को और जांच एजेंसियों को विचार करना चाहिए। सरकार पूरे घटनाक्रम को सही रूप से खोलने के बजाय कहीं ना कहीं हीला हवाली करने में लगी है। हम कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी, और जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा पूरी तरह बेनकाब करने का काम। मैंने पुनः उसी विषय पर आता हूं और स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि जो पीड़ित जो श्री कमलेश तिवारी हैं जिनकी हत्या हो गई, अगर उनकी माँ भी कुछ बयान दे रही हैं, अगर उनकी पत्नी भी कुछ बयान दे रही हैं, तो उस पर भी जांच एजेंसियों को सरकार को ध्यान देना चाहिए, दृष्टिगत लेना चाहिए। प्रथम दृष्टया जिसके घर परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या किसी तरह की कोई घटना होती है तो उनके बयान पर भी जांच एजेंसी को और सरकार को दृष्टि देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।